अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। और गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट वन का गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस अपलोड हो चुका हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चंस का गैस अब अपलोड करने जा रहे हैं। मैंने कल बायो का गैस अपलोड किया था, पेयरिंग स्कीम अपलोड की थी, तो मैथ वाले बच्चे मेरे साथ बड़ा शिकवा कर रहे थे ग्रुप्स में भी और यूट्यूब पर भी कि सर आपको बायो वालों का ज़्यादा ख्याल है, आपको मैथ वालों का कोई ख्याल नहीं है, आपके चैनल पे हमारे लिए कोई जगह नहीं, वगैरह वगैरह ब्ला 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 ब्ला। मैंने कल से वीडियो अपलोड की हुई है, कल रात से, तो लेकिन उस पर अब मैथ्स के लोग जो हैं उस पर आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, इतना आपने मेरा दिमाग खाया और आप देख रहे नहीं हैं। तो इनफैक्ट अब मैं बायो के लॉन्ग क्वेश्चन रहते थे तो उन पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सेम अवैध साहब से ही ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। प्रोफेसर अवैध साहब को थैंक यू बोल दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और गाइस अच्छे वाला कमेंट भी करना है। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं गाइज। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक जो चौधरी सुरखाब अहमद वाला अकाउंट है उसका लिंक दिया है। मुझे वहां पर फॉलोअर्स चाहिए तो काइंडली आप मुझे वहां भी फॉलो करने, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आप जो है टिकटॉक्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा कनेक्शन रहेगा, चाहे आप एफएससी क्लास कर भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी चले जाते हैं, तो फिर कल को कहीं आपके इलाके में विज़िट करता हूं तो मुझे खुशी होगी कि यहां मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं मिल भी सकता हूं। तो बाकी गाइस, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है, ये हर टीचर नहीं उस तरह से पढ़ा सकता, सिर्फ वही टीचर पढ़ा सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है और जो एक्सपर्ट है। तो अब अपने सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नाम है, अल्लाह शुक्र अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एग्ज़ाम्स के कुछ दिन बाद ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा आपकी, तो आपकी फिर ऑनलाइन क्लास चलेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का आपको मज़ा भी आएगा और उसके साथ साथ आपके एम डी कैट के क्वेश्चन भी, ई कैट के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। एनी वे गाइज, ये आपके सामने गैस है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन वाइज है, ये आप देख सकते हैं। नंबर वन जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ फूड। उसके बाद है जी, उसके बाद ये हाउ लॉन्ग डिफाइन क्लोनिंग, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करें। नंबर थ्री, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। लो जी, लाइफ के अंदर वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। बी है, डिफाइन एसाइल ग्लिसरॉल्स इन डिटेल। ये तो केमिस्ट्री का पेपर लग रहा है। एनी वे, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो देख लें आप लोग, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसका बी पार्ट, कंपेयर डीएनए एंड आरएनए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। सी है, एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाव। पांचवें नंबर पे है, नोट राइट अ नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद है, व्हाट आर प्लास्टिड्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नंबर सिक्स पे गाइस है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देन आगे सेवंथ आ जाता है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल्स ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। देन नंबर सेवन का बी पार्ट, हाउ एचआईवी इज ट्रांसमिटेड, गिव अ स्केच ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी। लो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है जी, डिफाइन हेपेटाइटिस, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स, कॉजेज एंड टाइप्स। बी पार्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। नंबर नाइन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।
देन डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया. देन क्वेश्चन नंबर 10 है राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया. बी पार्ट है एक्सप्लेन द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई. ये बड़ा मनहूस क्वेश्चन लगता होता था मुझे जब मैं स्टूडेंट था तो. देन उसके बाद जी डिफरेंशिएट डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. आई थिंक यस इन फंजाई. राइट फोर इकोनॉमिक गेन्स एंड लॉसेस ड्यू टू फंजाई. ये भी मुझे मुश्किल लगता होता था, रट्टा लगाना पड़ता है इसको. अच्छा जी नंबर 12 गिव एडाप्टेशंस ऑफ फंजाई ऑन लैंड. लैंड एडाप्टेशंस फंजाई के लिए क्या हैं जी ये बताने हैं. डिस्क्राइब लैंड एडाप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. देन उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जी क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गिव इट सिग्निफिकेंस. उसके बाद हाउ द वैल्यूएशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ टू प्लेस. देन क्वेश्चन नंबर 14 है जी एंड लिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड. उसके बाद डिस्क्राइब इन डिटेल साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. लें जी क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं. ड्रॉ एंड डिस्क्राइब केल्विन साइकिल इन फोटोसिंथेसिस. मेल्विन केल्विन साहब का ये काम था, जहर लगता था, याद ही नहीं होता था. व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस. स्केच इट्स वेरियस स्टेप्स. बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स मैंने ये याद किए थे. मुझे पता जब मैं FSC का स्टूडेंट था रोते पीटते याद किए थे. अल्लाह अल्लाह करके किए तो BSC में आगे फिर आ गए. वो फिर से करने पड़े बॉटनी में जाके. तो रोने वाला हो गया था मैं इनको कर करके. अच्छा जी 16A पार्ट है ड्रॉ द स्केच एंड एक्सप्लेन क्रैब्स साइकिल. मुश्किल साइकिल है जी. इन दोनों तीनों में से एक ज़रूर आ जाता है. केल्विन साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल. तो इनमें किसी न किसी को डार्क साइकिल भी कहते हैं, पता नहीं किसको कहते हैं. अच्छा जी बी पार्ट है जी 16th क्वेश्चन का गिव डाइजेस्टन इन द कॉकरोच. जो जी अब कॉकरोच साहब की डाइजेस्टन भी हमें पढ़ना पड़ेगी. चलें ये दिन भी आने थे हमारे ऊपर. सी पार्ट है जी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टन इन हाइड्रा. हाइड्रा में डाइजेस्टन का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करें. 17th क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब डाइजेस्टन इन ओरल कैविटी ऑफ मैन. देन डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन एंड ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 18 राइट नोट ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा. पता नहीं क्या बलाएं होती हैं, मैंने तो पढ़ी भी नहीं हुई. अच्छा जी बलेमिया नर्वोसा पता नहीं क्या है. ओबेसिटी इसका पता है मुझे. डेली एक्सरसाइज करता हूँ मैं गाइज. इनफैक्ट ये जो आपकी बड़ी मज़े की बात है, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें ब्लॉगिंग में. तो मैं तो जैसे ही आपके ये पेपर ख़त्म हो गए ना, मैंने तो जनाब है टका के ब्लॉग बनाने मज़े मज़े के, और आप लोगों को एंजॉय करवाना है, आप लोगों को मज़ा आएगा ब्लॉगिंग का भी. तो जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ मेरे ब्लॉग्स. तो आपको पूरी पूरी सैर करवाऊँगा मैं अपने साथ साथ जहाँ जहाँ मैंने जाना है. तो मज़ा आएगा. इसी तरह से आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, नहीं तो आपने मुझे छोड़ जाना बेवफा लोगो. तो पेपर होते ही भाग जाना है सारों ने. एनीवे कोई बात नहीं. तो ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम स्टूडेंट थे तब ये कहा जाता था कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें पेपर में नहीं आया था. एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्लड. बी पार्ट है डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स. देन डिफाइन इम्यूनिटी गिव इट्स टाइप्स. इम्यूनिटी क्या है इसकी टाइप्स बताएं. तो गाइज ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस का गैस है, अल्लाह बख्शे. तो ये आपके सामने आ गया, इतना छोटा तो स्क्रीनशॉट भी नहीं बनेगा आपका. तो अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाने हैं तो मैं चलें पार्ट वाइज ऐसे आपके सामने कर देता हूँ. आप इसके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं. पहले 5 क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट बना लें, ये इसका स्क्रीनशॉट बना लें, और उसके बाद आप अगले 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट बना लें. हियर वी गो. अच्छा जी उसके बाद आप अगले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट बना लें. लें जी 17, 18, 19 को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट बना लें. अच्छा गाइस ये तो बन गए स्क्रीनशॉट इसके. तो आप इसकी तैयारी भी कर लें, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं. इससे आगे आपके MCQs रह गए हैं, ढूंढता हूँ जनाब, वो भी कहीं से ढूंढता हूँ. आप लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ूंगा और लेट भी नहीं करूँगा इंशाल्लाह. मैं 4:30 बजे तक कोशिश करता हूँ MCQs ढूंढ के, उनको एडिट करके, उनकी सारी कांट छांट करके, सॉल्व करवा के वो मैं आप तक पहुँचा दूँ.
बाकी गाइस ये है कि यार आपके पेपर ख़त्म हो रहे हैं, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप लोगों ने बिल्कुल ही भाग जाना है तो सोच के तो बड़ा अजीब लगता है। जाहिर है आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जानी है तो आपने चैनल के साथ कनेक्टेड क्यों रहना है। और हमारे ताल्लुकात अनफॉर्चुनेटली तब तक ही होते हैं जब तक हमें ज़रूरत होती है। जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हमारे रिलेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका आखिरी पेपर इसके बाद रह जाएगा तो मुझे तो वो फीलिंग्स आ भी रही हैं। तो फिर भी जो लोग क्लास में कनेक्टेड रहना चाहेंगे मेरे साथ वो रह जाएंगे, जो जिनको व्लॉगिंग पसंद है वो व्लॉगिंग देखते रहेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो, या मेरे टिकटॉक वगैरह देखेंगे, या कुछ लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी अगले साल पे बात पड़ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया हुआ है, उसमें भी मैंने देखा है हाइट ऑफ सेल्फिशनेस है कि सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनको ग्रुप से हेल्प मिलती रही है उन सब ने छोड़ दिया हुआ है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेपर ख़त्म होते हैं ग्रुप में वो ग्रुप छोड़ देते हैं। हालांकि ग्रुप में रहने से कुछ होगा नहीं ऐसा वैसा, पूरे दिन में एक आधा मेरा एक टेक्स्ट ही आता है, ग्रुप पे प्राइवेसी लगी हुई है। लेकिन हाइट ऑफ सेल्फिशनेस ये है कि कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। खैर मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ यही लगा है कि जी ठीक है आपकी वजह से हमारे पेपर अच्छे हो गए हैं, जी ठीक है ठीक है। अब आप जाने, आप कौन हम कौन, ठीक है जाएँ आप। तो ये बड़ी बुरी बात होती है यार, हम टीचर्स बच्चों को सारी ज़िंदगी ये सिखाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी नहीं सीखते, पता नहीं क्या बात है। एनीवे कोई बात नहीं गाइस, जो बच्चे क्लास पढ़ना चाहेंगे वो मुझे बता देंगे, मैं उनके लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा और उनको ये भी डिटेल में समझा दूंगा कि क्लास कैसे चलनी है। आप लोगों के MD कैट ई कैट लेवल तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्लियर करवा देनी है। और गाइस जो अब वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा गाइस आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे वाला कमेंट करें, प्रोफेसर अवैस साहब को थैंक यू बोलें, एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।